हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद हंसू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहां रहें सेफ रहें सुरक्षित रहें। आज के वीडियो में गाइस मैं आपके लिए सिंपल हेयर स्टाइल लेके आई हूं, जो आप बहुत ही इजी और दो मिनट में बना सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको कहीं जाना है और आप बाल ओपन करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल बालों को ट्विस्ट करके आप इस तरह डिजाइन बना सकते हैं और देखने में जो वन साइडेड है और बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस मैंने इसे ट्राई किया है, आप भी इसे ट्राई करना अगर आपको अच्छा लगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने इसे बनाना है। इसके लिए गाइस सबसे पहले आपने अपने बालों में कॉम्ब कर लेना है, अपने बालों को अच्छी तरह सुलझा लेना है, आपके बाल में कोई लट ना रहे। क्योंकि जब भी आप कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, तो जब तक आपके बाल अच्छे से सुलझे नहीं होंगे तब तक वो हेयर स्टाइल अच्छी तरह बनेगी नहीं। और अगर बना भी लेते हो आप ना, तो क्या होते हैं आपके बाल जो है ना वो इधर उधर रहेंगे। मीन्स क्या कहते हैं, वो बाल आपके बिखरे से रहेंगे, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल, आप बनाए या ना बनाए। ठीक है, तो इस जैसे आपने बहुत अच्छी तरह आपके बाल वॉश होने चाहिए। छोटी छोटी चीजों को आपने बहुत ध्यान देना है, आपने बाल वॉश किए होना चाहिए। बालों में ट्राई करें ऑयल ना लगा हो जब भी आप कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं या अगर आप कहीं जाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छी तरह कॉम्ब करके अपने बालों को सुलझा लें। फिर आपने इस तरह आप देख सकते हैं आपके बाल सुलझे रहेंगे ना, तो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। उसके बाद फिर आपने कोई भी डिजाइन बनानी है। तो इसके लिए गाइस जो डिजाइन अभी मैंने बनाई थी बहुत ही सिंपल थी, जैसा मैंने आपको बताया। क्या करना है, कुछ नहीं, बाल आपने साइड पार्टीशन कर लेना है इस तरह। उसके बाद क्या करना है, आपने आगे से बाल लेने हैं, ऐसे थोड़ा ज्यादा सा बाल लेना है आपने। और आगे से जो लेंगे बाल वो थोड़ी दूर में होना चाहिए, ऐसे आप देख सकते हो। और ऊपर आपने इन्हें लेके जाना है सिंपल। फिर आपने इसे राउंड राउंड में ऐसे ट्विस्ट कर लेना है, सॉरी आपने बिल्कुल सीधा रख के फिर आपने इसे राउंड राउंड में ऐसे ट्विस्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे ना आगे से थोड़ा ये चौड़े में और ऊपर जाके बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, जो देखने में आपका बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद तिरछा ले जाकर के आपने इसे किसी भी छोटी सी टिकटॉक पिन से आपने इसे सिक्योर कर लेना है ऐसे। अगर छोटी पिन है तो आपने दो लगानी है, अगर बड़ी पिन है तो आपने एक लगानी है। इस तरह आपका सिक्योर हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आपका बन गया। फिर आपने अगर दो या तीन लेयर जिस तरह आपको बनाना हो, जिस तरह आपके बाल हैवी हो उस तरह आपने करना है। फिर आपने आगे से ऐसे, मैं दो बनाने जा रही हूं, मैं दो बनाऊंगी और मैंने आपको दो ही दिखाया था। उसके बाद क्या करना है, अगेन आपने आगे से ऐसे बालों को लेना है, पिक करना है आपने थोड़ा सा। फिर आपने इसे जो है राउंड राउंड में ऐसे सीधा करके अपने बालों को ऐसे ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने के बाद आपने इसे फिर पीछे लेके जाना है ऐसे यहां पे, फिर किसी आपने टिकटॉक पिन से इसे सिक्योर कर देना है इस तरह। तो आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बनने वाली हेयर स्टाइल है, जो देखने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप चाहें तो फिर आप इस तरह दोनों तरफ बालों को ओपन करके रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इसे अगर वन साइड में रखना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी आपका ये बहुत ही जल्दी हेयर स्टाइल बन जाता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। गाइस वन साइडेड है, आप ओपन बाल रख के भी इसे कर सकते हैं। अगर आप ओपन नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं कि आप पोनी बनाएं, तो फिर आप इसे बालों को ऐसे पीछे करके आपने साइड में, और आपने थोड़े से ना बालों को लूज रखना है बिल्कुल, आपने यहां पे ग्रिपिंग वन सेकंड में आपको दिखा दी। उसके अलावा गाइस आपने क्या करना है, आपने बालों को अपने अच्छी तरह पीछे भी सुलझा देना है। इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है गाइस, आपने जो बालों की ग्रिपिंग है ना वो बिल्कुल यहां पे नहीं करनी है, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने बालों को थोड़ा लूज यहां पे ऐसे लेकर के ऐसे ढीली सी आपने पोनी टेल ऐसे आपने बना लेनी है। तो इस तरह बनाएंगे गाइस, जो देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ढीली सी, और ये आपका हेयर स्टाइल और आपकी पोनी जो है बिल्कुल ढीली होनी चाहिए। इस तरह गाइज आप पोनी टेल भी बना सकते हैं। एंड आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप चाहें ओपन करके बालों में आप इस तरह इसे खोलकर भी इस तरह साइडेड जो है वन साइडेड हेयर स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पोनी टेल भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो आपके फेस पर सूट करे उस तरह आप इसे बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी हेयर स्टाइल अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी हेयर स्टाइल अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।